बॉलीवुड में बिकिनी पहनना अब आम सी बात हो गई है। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन, दीपिका पादुकोण जैसी हीरोइनों को बेस्ट बिकिनी गर्ल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर नूतन ने ये साबित कर दिया कि वो काफी बोल्ड हैं। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग में पहली बार स्विम सूट पहनकर नूतन ने उस समय के दर्शकों को चौंका दिया था। फिल्म बारिश में नूतन काफी बोल्ड दृश्य देने से भी नहीं झिझकी। इसके बाद इस प्रथा को मनमोहन सेन, नूतन, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, परवीन बाबी, मुमताज और नीतू सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने आगे बढ़ाया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।